वेलकम टू योर एकेडमी मोनीलाल सर। क्लास 9 के सभी स्टूडेंट्स का मैं अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं द सहनाई ऑफ बिस्मिल्ला खान, और अभी तक इस टॉपिक पर 3 वीडियोज अपलोड किए जा चुके हैं। ठीक है, आप पहले तीनों वीडियोज को देख लें, तब आज का चौथा वीडियो देखें तो आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग प्रीवियस वीडियो में पैराग्राफ नंबर 1 पर जो है पढ़ा था। पैराग्राफ नंबर 1 पर आकर के हम लोगों ने स्टॉप कर दिया था। आज वहां से आगे हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ से द से इसमें हम लोगों ने कल जो पढ़ा था उसमें पता चला था कि इसके जो फिल्म डायरेक्टर थे, एक जिसका नाम था विजय भट्ट, वे बहुत ही इम्प्रेस्ड हुए थे बिस्मिल्ला खान की सहनाई से, और उन्होंने उस इंस्ट्रूमेंट के नाम पर यानी सहनाई के नाम पर एक फिल्म बनाई। नाम था गूंज उठी सहनाई। यहाँ तक हम लोगों ने डियर स्टूडेंट्स कल पढ़ा था, आज आगे देखें। द फिल्म वॉज अ हिट, यानी जो फिल्म बनी, विजय भट्ट ने जो फिल्म बनाई गूंज उठी सहनाई, वह हिट हुई, मतलब काफी लोकप्रिय हुई, काफी पॉपुलर हुई। एंड वन ऑफ बिस्मिल्ला खान्स कंपोजिशंस, दिल का खिलौना हाय टूट गया, टर्न्ड आउट टू बी नेशन वाइड चार्ट पोस्टर। और बताते हैं कि उस फिल्म में बिस्मिल्ला खान का एक कंपोजिशन था, यानी एक रचना थी, यानी एक म्यूजिक जिसमें उन्होंने दिया था, एक गाने का जो धुन उसने बनाया था। गाने का बोल है, दिल का खिलौना हाय टूट गया। ठीक है, लता जी ने इस गाने को गाया है, बड़ा ही खूबसूरत गीत है, आप इसको यूट्यूब पर डाउनलोड करके सुन सकते हो। ठीक है, तो दिल का खिलौना हाय टूट गया यह गाना कहता है टर्न्ड आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बूस्टर, यानी पूरे देश में देश व्यापी चार्ट बूस्टर साबित हुई, यानी रिकॉर्ड तोड़ने वाला यह गाना, सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ डाले इस गाने। ठीक है, यानी इसका मतलब बहुत बड़ी सफलता मिली, ह्यूज सक्सेस। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्युलॉयड वर्ल्ड, बिस्मिल्ला खान वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वेयर लिमिटेड टू टू, विजय भट्ट गूंज उठी सहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ एडवेंचर सनाधि अपना। तथा डिस्पाइट मतलब के बावजूद इस ह्यूज सक्सेस, यानी इस विशाल सफलता के बावजूद इन द सेल्युलॉयड वर्ल्ड, कहां सफलता मिली, सेल्युलॉयड वर्ल्ड मतलब फिल्मी दुनिया। ठीक है, फिल्म संसार, फिल्मी दुनिया में इतनी बड़ी सफलता के बावजूद बिस्मिल्ला खान वेंचर्स, यानी बिस्मिल्ला खान की फिल्में या बिस्मिल्ला खान के जो कार्य हैं, काम हैं फिल्म म्यूजिक में, वे लिमिटेड हैं, सीमित हैं दो तक, यानी दो तक ही, दो ही फिल्मों तक सीमित हैं। एक तो विजय भट्ट की फिल्म गूंज उठी सहनाई, और दूसरी फिल्म थी विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ फिल्म। ठीक है, कन्नड़ वर्क था, यानी कन्नड़ वेंचर, कन्नड़ फिल्म जिसका नाम है सनाधि अपन्ना। ठीक है, दो ही फिल्मों तक उसके कार्य सीमित रहे। ठीक है, वेंचर्स मतलब कार्य। यहाँ पर आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विथ द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, सेज विथ एम्फेसिस। अब देखो, ही सेज विथ एम्फेसिस, यानी खान साहब विथ एम्फेसिस, यानी बलपूर्वक बल देकर के कहते हैं, क्या कहते हैं, आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विथ द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, यानी मैं
क्या कर सकता, कांट कम टू टर्म्स, मैं जो आर्टिफिशियलिटी और ग्लैमर है फिल्मी दुनिया की, ठीक है, उसके बहकावे में नहीं आ सकता, यानी मैं उसकी चकाचौंध को सहन नहीं कर सकता, उसकी कृत्रिम आर्टिफिशियलिटी मतलब बनावटी बात, ठीक है। तो बनावट भरी दुनिया है ये, सब कुछ यहाँ पर बनावटी होता है, नकली होता है, तो ये सब चीजें मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम हिट एंड फास्ट, अब कहता बिस्मिल्ला खान के पुरस्कार और रिकॉग्निशन यानी मान्यता प्रसिद्धि क्या थी, केम हिट एंड फास्ट यानी बड़ी बड़ी सफलता, बड़े बड़े अवार्ड्स और बड़ी तेजी से उनको मिलते चले गए। बिस्मिल्ला खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंट्रल हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बिस्मिल्ला खान जो थे वे प्रथम भारतीय थे जिसे सुप्रसिद्ध लिंकन सेंट्रल हॉल अमेरिका में आमंत्रित किया गया था, ठीक है। ये बड़ा ही फेमस लिंकन सेंट्रल हॉल है अमेरिका का, यहाँ पर उन्हें आमंत्रित किया गया था और ऐसे करने वाले वे फर्स्ट इंडियन हुए। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल इन द केन्स, अब कहता है उन्होंने मॉन्ट्रियल में जो केन्स आर्ट फेस्टिवल हुआ था, वर्ल्ड एक्सपोजिशन यानी विश्व प्रदर्शनी लगी थी मॉन्ट्रियल में, ठीक है, वहां पर केन्स आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, उसमें भी हिस्सा लिया, और एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर और ओसाका व्यापार मेले में भी उसने भाग लिया, ठीक है। ओसाका जापान में है। अब देखो, सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली That an auditorium in Tehran was named after him, Tahar Mausiki, Ustad Bismillah Khan. कहते हैं internationally यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतने popular हो गए खान साहब कि एक auditorium बनाया गया, ठीक है, एक सभागार बनाया गया तेहरान में उसी के नाम पर, खान साहब के नाम पर उसका नाम रखा तहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री एंड पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वेयर कन्फर्ड ऑन ही, अब कहता है राष्ट्रीय पुरस्कारों में जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण उन्हें प्रदान किए गए। In 2001, उस्ताद बिस्मिल्ला खान वॉज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न, और 2001 में उस्ताद बिस्मिल्ला खान को भारत का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान दिया गया भारत रत्न, ठीक है, 2001 में, विथ द कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आईज glinting with rare happiness, he said, all I would like to say is teach your children music, this is Hindustan's richest tradition, even the West is now coming to learn our music. बिस्मिल्ला खान ने अपने अवार्ड को, कोवेटेड अवार्ड मतलब लॉन्ग अवेटेड अवार्ड, जिसकी प्रतीक्षा लंबे समय से रहती है, ठीक है, लॉन्ग अवेटेड अवार्ड आप कह सकते हो, यहाँ दिया है मच डिजायर यानी बहुत अधिक इच्छा होती है जिस अवार्ड को पाने की, तो उसको अपने सीने पर रख कर रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आईज ग्लिंटिंग विथ रेयर हैप्पीनेस, और अपनी आंखों में दुर्लभ, ठीक है, खुशी, हैप्पीनेस, ग्लिंटिंग मतलब चमकना, ठीक है, आंखों में दुर्लभ खुशी की चमक लिए हुए वे कहते हैं ऑल आई वुड लाइक टू से, कहा मैं बस यही कहना चाहूंगा टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक,
कि आप अपने बच्चों को संगीत सिखाइए। दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, यह हिंदुस्तान की सबसे समृद्ध परंपरा है। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग, और कहा कि अभी तो पश्चिमी देशों के लोग भी आ रहे हैं टू लर्न आवर म्यूजिक, हमारे संगीत को सीखने के लिए। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। कहता है इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, संपूर्ण वर्ल्ड की यात्रा करने के बावजूद भी खान साहब, जैसा कि लोग प्यार से उन्हें कहते हैं, इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव, वे अत्यधिक बनारस और डुमराव को जो है प्यार करते हैं, यानी उसके बड़े ही उसको बहुत ही प्यारे हैं ये दो शहर बनारस और डुमराव, और दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन ऑफ द वर्ल्ड, और कहता ये दोनों शहर दुनिया के सबसे अनोखे शहरों में से। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड अ सहनाई स्कूल इन द यूएसए एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रिप्लिकेटिंग द टेंपल्स देयर। अब कहते हैं राइटर, अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस, यानी उनके एक शिष्य ने एक बार उनसे चाहा कि आप यूएसए में अमेरिका में सहनाई स्कूल की अध्यक्षता करें, यानी हेड बने, और उस स्टूडेंट ने प्रॉमिस किया कि रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस, कि मैं यहाँ पर बनारस जैसा माहौल रिक्रिएट कर दूंगा, निर्माण कर दूंगा बाय रिप्लिकेटिंग द टेंपल्स देयर, कैसे बनारस जैसे मंदिरों का यहाँ पर निर्माण करवा कर। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वे, खान साहब ने उसकी बोलती बंद कर दी यह कह करके कि क्या तुम यहाँ पर गंगा को ला सकोगे। लेटर ही इज रिमेम्बर्ड टू हैव सीड, आगे चलकर ऐसा याद किया जाता है, माना जाता है कि वे कहते थे, That is why whenever I am in foreign country, जब कभी मैं विदेश में होता हूँ, I keep yearning to see हिंदुस्तान, मैं लालायित रहता हूँ, keep yearning मतलब लालायित रहना, तरसना, हिंदुस्तान को देखने के लिए मैं तरसने लगता हूँ, कब, जब मैं विदेश में होता हूँ, while in Mumbai, I think of only Banaras and the holy Ganga, जब मुंबई में होता हूँ तो मुझे बनारस और पावन गंगा याद आती है, एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूँ, आई मिस द यूनिक मठा ऑफ डुमराव, तो मुझे डुमराव का यूनिक मठा याद आता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, वन that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Sahanai every morning at the Kashi Vishwanath temple. अब कहते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो जीवन है वह एक पूर्ण उदाहरण है, पक्का उदाहरण है, ठीक है, संपूर्ण एग्जाम्पल है, मिसाल है, किसका, भारत के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का, वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट, और कहता है वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट, जो कि सहज ही स्वीकार करते हैं बिस्मिल्लाह खान, दैट इज अबाउट मुस्लिम लाइक हिम, उनकी तरह उनके जैसे जो पक्का मुसलमान है, डिवोट मुस्लिम है, कैन वेरी नेचुरली प्ले द सहनाई, बहुत ही स्वाभाविक रूप से सहनाई बजा सकते हैं, एवरी मॉर्निंग, प्रति दिन सुबह सुबह,
एट द काशी विश्वनाथ मंदिर, यानी काशी विश्वनाथ टेम्पल, टेम्पल मीन्स मंदिर, ठीक है। तो यानी बिस्मिल्लाह खान एक्सेप्ट करते हैं कि भाई एक पक्का मुसलमान होते हुए भी हर सुबह मैं काशी विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजा सकता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, इट इज सैड टू से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे ऑन 21st August 2006 एट द एज ऑफ 90 आफ्टर ए प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हमारे इस धरती से, इस संसार से चले गए 31 अगस्त 2006 को, ठीक है। और उस समय उसकी उम्र थी 90 साल की उम्र में, आफ्टर ए प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, लंबी बीमारी के बाद। ही वॉज गिवन अ स्टेज फ्यूनरल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वन डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग। उसे कहता है स्टेट फ्यूनरल दिया गया, यानी राज का राज सम्मान उसको कह सकते हो, या राज्य स्तर का अंतिम संस्कार उनको प्रदान किया गया और भारत सरकार ने उनके निधन पर एक दिन का राष्ट्रीय शोक, नेशनल मॉर्निंग भी डिक्लेयर किया, घोषित किया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था स्टोरी द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान के। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहें योर एकेडमी मुनिलाल से। थैंक यू। जय हिंद, जय।